उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। जानकारी के अनुसार लगभग 17 वर्षीय सत्यम शर्मा की मौत की खबर से पूरे जिले में सनसनी फैल गई। मृतक के परिवार वालों के अनुसार सत्यम की प्रेमिका ने परिवार वालों के साथ मिलकर सत्यम को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। सत्यम की मृत होने की सूचना मिलते ही तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि मृतक के पास से उप जिलाधिकारी के नाम लिखा एक पत्र भी मिला है, जिसमें युवक ने हत्या होने की आशंका भी जताई है। साथ ही लड़की पक्ष के नाम भी लिखे हैं। परिजनों ने बताया कि युवती के रिश्तेदार ने पुलिस को सूचना दी कि पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन मदद करने के लिए नहीं, बल्कि सत्यम की मौत की वजह बनने के लिए। मृतक के परिजनों ने उत्तर प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल निखिल त्यागी और दो अन्य पुलिस वालों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। परिजनों ने कहा कि यदि मौके पर आई पुलिस घायल सत्यम को समय पर अस्पताल ले जाती तो शायद सत्यम को बचाया जा सकता था, लेकिन पुलिस तो घायल व्यक्ति के सामने ही बयान नोट करने में लगी हुई थी। इसके साथ ही मृतक के परिजनों ने बताया कि पुलिस अधिकारी निखिल त्यागी नशे की हालत में ड्यूटी पर, जिन्होंने टोकने पर मृतक के परिजनों को ही पीटना शुरू कर दिया। मृतक के भाई की माने तो जब ये लोग वहां पहुंचे तब उसके भाई की सांस चल रही थी, लेकिन कांस्टेबल निखिल त्यागी द्वारा उसके भाई को तुरंत अस्पताल ले जाने की जगह उसके भाई को सिपाही द्वारा पीटा गया। और जब सिपाही ये बहादुरी का काम कर रहे थे, उस वक्त कांस्टेबल निखिल त्यागी दारू के नशे में लड़की का बयान नोट करके अपने वीरता पुरस्कार पाने की तैयारी कर रहे थे, जिसकी वजह से आधे घंटे तक वहां पर मृतक को डाले रखा। ये हुआ था कि ये 4-5 घंटे से गायब है लगा था। अच्छा, तो मैंने इधर उधर पुलिस इधर उधर देखा ढूंढा, उसके बाद इन्फॉर्मेशन यहाँ पर थाने में FIR दी गई लड़की के पक्ष द्वारा। अच्छा, ठीक है। वहाँ पर ये पहले भी धमकी दे चुके हैं कि से जान से मार देंगे कुछ ना कुछ। किसने धमकी दी? एक लड़की घर वालों ने। लड़की कौन है? लड़की मंजू। अब देखना ये है कि आखिर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। परिजनों की माने तो बहुत ही चर्चित दबंग कांस्टेबल निखिल त्यागी दारू के नशे में ड्यूटी करते हैं। अभी तक निखिल त्यागी की कोई डॉक्टरी रिपोर्ट नहीं कराई गई है। ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश पुलिस की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। जब आपको पता चला तो तब पुलिस आपके घर गई थी? घर गई थी। तो क्या हुआ वहाँ? तो वहाँ पर इसकी सांस चल रही थी, तो निखिल त्यागी द्वारा इसके निखिल त्यागी कौन है? निखिल त्यागी SI नहीं, सिपाही है, जो उन्होंने इनके मारा तोरा भी वैसे सत्यम को इसे मारा भी था मारा भी था इसे। अच्छा, उसके बाद ये सास चल रही थी, हमने कहा इसे लेके जाने दो, इन्होंने लाने नहीं दिया उसे। किसने नहीं लाने दिया? निखिल त्यागी और उनके साथ दो लोग और थे। APTV भारत के लिए लखीमपुर खीरी से संजय राठौर की रिपोर्ट।